बीजेपी सिर्फ अन भक्तों के लिए, आपका बेटा जैसा है ना, अभी क्रिकेट का खेला भी नहीं, जिसकी पद 80,000 करोड़ की मालिक है, नहीं लगता है। मेरे को पूछो, तुम्हें कहा था कि बीजेपी एक दिन आएगा लेकिन तसनस कर देगा देश को। खाने की चीज में टैक्स लगाने वाला पहला ही प्रधानमंत्री है जो मोदी जी है। नहीं, मैं तो एकदम ममता का इतिहास पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा, ममता का इतिहास पढ़ रहा हूँ। नहीं, ममता का ये इतिहास पढ़ा हूँ कि जब वो 12 साल की थी तब से उनका दिल में ये था कि मैं पश्चिम बंगाल की कुछ करूँ। तब से स्कूल से लेकर कॉलेज में उन्होंने 2007 में बनाया था सोनिया गांधी को लेकर के द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये पूरा तृणमूल कांग्रेस का पूरा नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस को साथ किया 2008 की फरवरी में। उसके बाद से फिर 2009 को उसने सीपीआई भारतीय मास पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जो 34 साल की सैनिक को भगाया, इसके जैसा लड़की होना मुश्किल है। बस बहुत जबरदस्त राज भी है, और हमारा जो मुसलमान के लिए थोड़ा सा किया तो ममता जी ने किया, इसके अलावा कोई नहीं किया। लेकिन अब जो आवाजें निकल करके आ रही है वो चाहे कांग्रेस की कर लें, बीजेपी की कर लें, या फिर सीपीआईएम सीपीआईएल जितनी भी पार्टियां हैं, सब ये कहती है कि तृणमूल माने चोर पार्टी, तृणमूल माने चोर दल। वो सब बोलने के लिए है। बीजेपी को बोलोगे कितना किया था आपने, 15 लाख अकाउंट में देना था, 4 करोड़ तुमने वो लोगों को रोजगार देना है, चाकरी देना है, ठीक है दिया। उसने कहा कि इतना हम करेंगे कि हमारे जैसा कोई नहीं करेगा, उसके जैसा तेरे जैसा चोर मैं चैलेंज से कहता हूँ कोई नहीं है। बीजेपी सिर्फ अन भक्तों के लिए, सिर्फ बस मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, चलो अब मस्जिद में मंदिर में जाकर पूजा करने में खाना नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा रोटी रोजी देने से। कोई इंडस्ट्री नहीं किया पूरे भारत में। उसने कहा ना, तेरे जैसे अन भक्तों को तूने मंदिरों में बताया कि अभी, अभी अभी मोदी जी आए थे आपके यहाँ पास के लोकसभा क्षेत्र में, वो कह के गए कि 10 साल जो था वो ट्रेलर था, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। वैसे भी अमित शाह ने कहा था, अमित शाह का बेटा जैसा है ना, अभी क्रिकेट का खेला भी नहीं, जिसकी पास 80,000 करोड़ की मालिक है, वो बीसीसीआई बोर्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन है, अनपढ़ है बिल्कुल, खेलने नहीं लगता है। मेरे को पूछो, मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, 18 भाषा में पढ़ा हूँ मैं। अच्छा। कितना 18 languages we know in over India। आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या देखते हैं पश्चिम बंगाल की अगर बात करें? पश्चिम बंगाल में पिछली बार तो 18 सीट बीजेपी के पास चली गई थी। अरे वो गई थी अनभक्तों ने, जो अनपढ़ गधे होते हैं ना, अनपढ़ अनपढ़ लोग गधे जानते हैं, गोबर को हलवा बनाते हैं, मूत को पीते हैं और दूध को यहाँ देश में हमारा बहाते हैं। अनभक्तों अनपढ़ होने की यही वजह है, वो पढ़े लिखे तब ना। तुलसीदास मानस है, ये मानचरित्र, ये तुलसीदास, ये रामायण पढ़े तब ना उनको पता चले। चलिए, कुरान पे पढ़ते नहीं है, धर्म को लेकर टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं, बीजेपी करता है, ये बीजेपी करता है, लेकिन बीजेपी करता है। हम किसी को नहीं, आई लव द ममता, पहले जब तक हम लोग पैदा हुआ हिंदुस्तान में है, आज तक जाति भेदी हुआ था क्या? जब कांग्रेस ने चलाया बंगाल को, सीपीएम ने चलाया, तो कोई जाति भेदी हुआ था? नहीं हुआ था। और अटल बिहारी था, अटल बिहारी वाजपेयी था, जब भी उनका पार्टी था, जब भी वो जाति भेदी नहीं चला रहा था। जब से ये महाजन एक चीज माने तो जातिवाद का, देखिए जातिवाद का जो समीकरण है ना, जातिवाद हमेशा से कायल रहा है, लेकिन अब जाकर के जो हुआ है इस सिचुएशन में, ये आप कह सकते हैं कि कट्टरवाद ज्यादा हो गया। हाँ। जाति पर हर लोग है, आप मुस्लिम है तो आप भी चाहते हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट मिले, कोई यादव है तो वो चाहता है कि यादव मिले। हम लोग मिलजुल करके एक साथ में रहते थे, खाते थे, हर पार्टी में जाते थे, मुसलमान का शादी ब्याह में जाते थे, हिंदू का शादी ब्याह में जाते थे। और अभी ये जो है, मेरे को ये पहले बताओ, जय श्री राम कोई पार्टी में है क्या नारा? जय श्री राम का पार्टी में कोई नारा है? नहीं है। जय श्री राम जैसे मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, मतलब मस्जिद है तो हम वहाँ नमाज करने का नारा है, धार्मिक स्थल पर देना भी जाता है। अभी बीजेपी का रैली निकलेगा, नहीं नहीं बीजेपी का जो धंधा है उसमें क्या है? कमल फूल है, उसमें जय श्री राम है क्या? नहीं है। तो जब उस टाइम वो जय श्री राम बोलता है, एक बार मैं आपसे एक बात मैं अगर आपसे एक बात कहूँ कि उसमें अगर नहीं है तो ममता बनर्जी के झंडे में भी तो कहीं कलमा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन दीदी तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ी है कई मंचों से, तो ये भी तो है। सुनो तो वो जो पढ़ रहा है ना, एक तरफा ला इलाहा नहीं पढ़ रहा है, वो हर चीज को लेके चल रहा है, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सिख या सबको लेकर के चल रहा है, लेके बोल रहा है। ये तो एक तरफा बोल रहा है जय श्री राम, और तो कुछ बोलना ही नहीं। सबको क्या देखते हैं इस बार, क्या देखते हैं पश्चिम बंगाल इस बार, क्या देखते हैं? देखो वो है बुखला गया, अमित शाह, मोदी,
और जीपी नड्डा इन सब साला बोकला गया है। आपकी बार 400 पार बोल बोल के ये लोग ले लेने चाहता है, पब्लिक का काम में भर देता है, पब्लिक सोचता है कि 400 रुपए पाने करेगा दे दो यार, मगर नहीं पाएगा। ये बात मैं सुन रहा हूँ, आपसे मैं जानना चाहूँ, इसका थोड़ा विश्लेषण कीजिए। जब आप 18 लैंग्वेज की ज्ञान रखते हैं तो इस पे भी रख सकते हैं, अब की बार 400 पार ये कितना कारगर है? ये सुनो, मैं ये चैलेंज देके मोदी साहब को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मेरा दोस्त था, इससे पहले 2013 में जब वो 11 दिन के वो बने था ना, अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार प्रधानमंत्री बने थे, उसने कहा था बीजेपी का अगर हेड लीडर था तो एलके अडवाणी था। आज वो कहा है, मेहनत तो उसने किया था, और उससे 26 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में कहा था कि बीजेपी एक दिन आएगा लेकिन तसनस कर देगा देश को। खाने की चीज में टैक्स लगाने वाला पहला ही प्रधानमंत्री है जो मोदी जी है, खाने की टैक्स में। आप ये बताइए, पहली टैक्स जो खाने में मोदी जी है, एवरीथिंग। मैं तो कोई जीएसटी लगाओ, जो लोग हवाई जहाज में जाते हैं, एयर इंडिया चाहे इंडिगो चाहे कोई भी कंपनी का एयरसेव, उसके साथ टैक्स लगाओ। जो लोग रेल में चलते उसके टैक्स लगाए, क्या करेंगे? आटे पे टैक्स, नमक में टैक्स, हर चीज में टैक्स। गरीब मरेगा, उसने कहा गरीब है क्यों, बीजेपी का मतलब बीजेपी कहते गरीब है क्यों, मरो। ये 400 पार का नारा खोखला है? खोखला नहीं, वो बोलने के लिए है, लुभाते हैं। क्या देखते हैं इस बार ऊपर चेंज होते हुए? अरे मैं तो कहता हूँ अभी चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लोगों को बंटवारा कर देते हैं, लोगों को दिल छीन लेते हैं। मेरे मुसलमान भाई हो, हिंदू भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई से भी, इनकी दिलों में क्या है, एक छोटी सी ये डाल देते हैं, घर में बच्चे मर गए ऑक्सीजन के बगैर, क्या ये सब दिखते नहीं है? वो दिखता है, लेकिन वो करने नहीं चाहता। हम लोग का माइंड में मस्जिदों में मंदिरों में वहां यहाँ भटकते, हमको काम चाहिए। तो मेन मुद्दा रोजगार का है, बिल्कुल। और मैं एक शेर बताऊं, पानी पेप्सी नहीं पानी चाहिए, ये इसराइल का पेप्सी नहीं पानी चाहिए, मानते हैं? और हम लोग को कोका कोला चाय वो नहीं, सिर्फ काम चाहिए, हमको काम दिला रहे हिंदुस्तान में।